अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये उमर खान साहब हैं जो के थोड़े से हकलाते हैं, जिसको हम थत्था बोलते हैं, लेकिन ये जो कमा रहे हैं आप इनकी कमाई का सुनकर यकीन करें अशश कर उठेंगे। इन्होंने आज से चंद साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, 20 लाख रुपए में तकरीबन इनकी लॉजिस्टिक्स डालकर डिग्री कम्प्लीट हुई, लेकिन इनको आता जाता कुछ नहीं था। ये बिल्कुल नैले थे, ये जहाँ पर भी अप्लाई करते थे जॉब के लिए 6 से 7 हजार रुपए इनको कंपनीज ऑफर करती थी। मीनवाइल इनकी एक लव स्टोरी चल रही थी और ये जिस लड़की से प्यार करते थे ये उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, जिसकी वजह से इनके ससुराल वालों ने इनसे कहा कि आप थोड़े बहुत अगर आप ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएं तो हम अपनी बेटी का रिश्ता आपको दे देंगे। इन्होंने सोचा कि अब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और जो इंजीनियर्स का पाकिस्तान में हाल है, डिग्रियां लेने के बाद जो उनका मुआश होता है वो कितना होता है इसका अंदाजा तमाम इंजीनियर्स को है। इन्होंने डेनकास्ट से प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 से 5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। अक्सर लोग जब दोस्तों में बैठते हैं तो हम शुगल कर रहे होते हैं कि यार इसको तो बोलने की तमीज नहीं है, तो ये 4-5 लाख रुपए कैसे कमाएगा, लेकिन आप कुर्बान जाए इनके टैलेंट पर। और खराज तहसीन का मुस्तहिक है डेनकास्ट का इदारा, जिन्होंने इस जैसे शख्स को प्रोग्रामिंग सिखाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कब थी, उसके बाद जॉब क्यों नहीं मिल रहे थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मुझे काफी यानी के साल हो गए, तो मेरे घर के थोड़े फाइनेंशियली हालात भी थोड़े थे डिस्टर्ब थे, जॉब वगैरह उस तरह से मिल नहीं रही थी, एक्चुअली में दे ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरा शौक भी था कि मैं प्रोग्रामर बनना है। क्या बनना है? थोड़ा सा मेरा चूंकि जबान थोड़ी सी बोलने में थोड़ी होती है मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश मेरी पूरी होती है जिससे बात करूँ तो उसको अपनी बात पूरी कन्वे कर। हम कतन इनका मजाक नहीं उड़ा रहे, ये मेरे भाई हैं। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जो शख्स प्रोग्रामिंग कह भी नहीं सकता और ये प्रोग्रामर है वो उसको बता भी नहीं सकता, लेकिन वो कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो टैलेंट होता है वो मोहताज नहीं होता लफ्जों का, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। उसको पॉलिश करने के लिए डेनकास्ट जैसे इदारे पाकिस्तान में मौजूद है। तो लव स्टोरी जो आपकी मीनवाइल उस वक्त चल रही थी, ससुराल वाले क्या कह रहे थे कि नहीं शादी नहीं? ससुराल वाले और ना घर वाले भी नहीं माने थे, ससुराल वाले क्योंकि मेरे फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं थे, पैसे वाले के साथ लड़की तो कोई भी यानी क्या कर देता है। आपकी लव मैरिज फिर हो गई? अब हालात मेरे अलग है, शुक्र है कि अब काफी बेहतर है, तो फिर घर वाले भी मान गए, उनके घर वाले भी मान गए, अभी जो है वो भी स्पेशल है। नहीं है वो अलग है, शुक्र है, बस सारा कुछ ठीक है, बस मुझे ही थोड़े से बोलने में थोड़ा इशू है, बाकी सारा कुछ ओके है मेरा। हमने तंजो मजाक से भरपूर गुफ्तगू आपकी मर्जी से आपसे की है, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा ऑन अ सीरियस नोट कि जब आप मुआशरे में जाते हैं बहुत से लोग जो होते हैं वो आप पे हूटिंग भी करते हैं, आपको तंग भी करते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जब आप की हैसियत बढ़ती है, आपका मुकाम बढ़ता है, तो फिर लोग आपको सलाम नहीं कर रहे होते, आपकी हैसियत को, आपके मुकाम को सलाम कर रहे होते हैं, तो वो दुख होता है, तकलीफ होती है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम जिस माशरे में रहते हैं हमें पता है कि हम किसी का मजाक कैसे उड़ाते हैं, हम तो किसी की नब्स ढूंढ रहे होते हैं, ऐसी कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं जिससे हम उसका मजाक उड़ा सकें, तो वो अगर कोई उड़ाता है तो अल्लाह ताला देख रहा है। ना आपका मजाक उड़ाया, मैंने तो आपसे इजाजत से किया ना? नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं, हमने उसको तंजो मजाक को भी रखा और लोगों को ये पैगाम भी खूबसूरत दे रहे हैं। डेनकास्ट की ट्रेनिंग आपने कितने अरसे में ली? जो कह रहे कि 6 मंथ के बाद ना मेरे काफी हालात बेहतर हो चुके थे। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके किसी भी कंपनी में जाते और बहुत अच्छा भी अगर वहाँ डिलीवर करते तो मैक्सिमम आज आप 1 लाख रुपए या 6 डिजिट पर होते, आज माशाल्लाह 4-5 लाख रुपए, घर वाले खुश होते हैं? अल्लाह का शुक्र है, घर वाले भी खुश हैं, मेरी लाइफ इस टाइम फुल ओके है और अल्लाह ताला ने ही यानी कि मुझे इस काबिल समझा कर उसने मेरा इतना कर दिया। मैंने ये भी सुना है कि अब आप ना सिर्फ सेल्फ मेड पर्सन बने हैं, अपने जैसे बहुत से लोगों को अब तैयारी करवाते हैं, उनके मेंटोर हैं, उनको लेक्चर्स देते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे सीखी जा सकती है, डिजाइनिंग कैसे सीखी जा सकती है, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये तमाम के तमाम अमूर जब आप सर अंजाम देते हैं तो तब कोई रिलक्टेंस, कोई हेजिटेशन फील नहीं होती क्लास के सामने? शुरू में था इशू इस तरह के इशू से, क्योंकि मैं काफी अरसे डेनकास्ट के साथ हूँ, तो डेनकास्ट के साथ मिलकर ही मैंने इस चीज़ को आगे मूव ऑन किया, जो सीखा है वो आगे मैंने कन्वे भी करना है, और अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग हमसे सीखे गए हैं तो वो अच्छी जगह पर बैठे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। वाह वाह वाह, ये इनकी हम्बलनेस है और आप इनकी आजी देखें कि इस शख्स ने इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी लोगों के उन तल्ख रवैयों को, उन लहजों के दस्त को जो इन्होंने महसूस किया, और मुझ समेत हर बंदा जो है वो मुआशरे का जो एक फ़र्द है वो इस तरह के फ़र्द को एक्सेप्ट नहीं करता, वो चाहे वो किसी कंपनीज में जाएं जॉब्स के लिए या वो किसी भी सोशल सर्किट में जाएं, तो उनकी एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं बनती। तो खराज तहसीन का मुस्तहिक है डेनकास्ट भी, जिन्होंने इनको प्रोग्रामिंग सिखाई। अगर आप में से भी कोई शख्स फ्रीलांसिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह के बेशुमार कोर्सेज सीखना चाहता है तो डेनकास्ट के नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर
देख सकते हैं, आप इनसे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ आप अपना बल्कि अपने से मुंसलिक उन तमाम रिश्तों को भी अच्छे तरीके से फीड आउट कर सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने किया। लेकिन मैं दोबारा से आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैंने ये इंटरव्यू आपका आपकी मर्जी से किया है, हमने लोगों को अच्छा पैगाम देने के लिए किया। जी बिल्कुल, खबरदार आपको आज के बाद कोई थक्का गया, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, ये इनकी ग्रेटनेस है। अल्लाह हाफिज़।